फंसे छात्रों का अंतिम जत्था शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पहुंचा, जहां यूक्रेन में फंसे छात्रों का स्वागत करने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी खुद चलकर पटना एयरपोर्ट पहुंचे और यूक्रेन से लौटे छात्रों का स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट पर यूक्रेन से लौटे छात्रों को यह जानकारी दी कि बंद कर में रहने वाले हम सभी किसी तरह अपने जान बचाने में सफल हुए और आज अपने वापस वतन लौटकर बहुत खुशी हो रही है। तो वहीं पटना एयरपोर्ट पर मौजूद सुशील कुमार मोदी ने बताया कि यूक्रेन से चलकर छात्रों का अंतिम जत्था शुक्रवार को पटना पहुँचा और यूक्रेन के सुमी शहर में बिहार के कुल 11 छात्र फंसे हुए थे, जिसमें 7 छात्र आज भारत लौट आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ और 4 अन्य छात्र दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो जल्द ही पटना एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। जी सर, सुमी सरसिया काफ़ी नज़दीक था और हम उसी बॉर्डर पे फंसे हुए थे, लेकिन वहां बात चल रही थी पुतिन साहब से, तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं, वहां से हम लोग मॉस्को बॉर्डर ना जाके बहुत ही परेशानी के साथ हम लोग पोलैंड के तरफ से निकले। और धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं पोलैंड की सरकार की और वहाँ की एम्बेसी को और रेड क्रॉस को सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में हम लोगों को सुमी से पोलैंड की तरफ अपने साथ आगे रह के हम लोगों को लेकर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जी सर, हम लोगों को तो लगभग 10 दिन तक, मतलब कि हमेशा डर के मारे कभी ऊपर नीचे जाना आना रहता था। हम लोग डर के मारे नीचे से ऊपर नहीं जाते थे, बंकर में रहना पड़ता था। जी सर, खाना पीना लेकिन वहाँ की जो है थे सर वो व्यवस्था कर रहे थे, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें हमेशा मदद की। हमें जल्दी से बंकर्स की तरफ जाना पड़ता था। बंकर में सर हम लोग जाते थे, फिर थोड़ा लगता था माहौल ठीक है तो ऊपर आके खाना बना लिया करते थे, फिर भागते थे। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि पास्ता चढ़ा के भी भगाए हैं नीचे हम लोग। खाना कोशिश किया ढूंढने का, क्योंकि इंतजाम तो करना था ना सर, जीने के लिए तो खाना पानी चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से आज यूक्रेन में फंसे बिहारी छात्र के सभी बच्चे अपने वतन वापस लौट आए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 अधिकारियों को जिन्हें रशियन भाषा नहीं आती थी तत्काल वहां भेजा और उन अधिकारियों ने ऐसा काम किया जो किसी देश की कोई सरकार नहीं कर सकती थी। यूक्रेन पहुंचे इन 50 अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय को बचाने का काम नहीं किया, वहां पहुंचे भारतीय अधिकारी ने कई पाकिस्तान के छात्र छात्राओं को बचाने के साथ साथ बांग्लादेश सहित कई देशों के छात्र छात्राओं को बचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति से बात की, अपने भारत के बच्चों को सकुशल वापस पहुंचा दिया, जिसके लिए वो आज पूरा देश उन्हें धन्यवाद कर रहा है। गवर्नमेंट के लिए तो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही मुसीबत में थे हम लोग, तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा लग रहा था निकलना, क्योंकि एक बार तो हम लोग बस में चढ़ के भी उतरे हैं, तो हम लोग सुमी में थे, हमारा इवैक्यूएशन होने वाला था, बस में हम लोग बैठे और तभी सडनली बोला गया कि सीज फायर टूट गया है, तो हम लोग वापस उतरे, तो बहुत दिक्कत हुई इस तरीके से। हाँ देखिए, आज ये अंतिम जत्था आया है, ये 11 बच्चे बिहार के सुमी में बचे हुए थे, तो 7 बच्चे आ गए, इसमें 2 लड़कियां और 5 अन्य लड़के हैं, 4 और बचे हुए हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये जो ऑपरेशन गंगा का ये अंतिम दौर है, और देखिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने 50 लोगों को भेजा जो रशियन भाषा जानते थे, जो यूक्रेन और आसपास के रोमानिया अन्य शहरों में जाकर जो रूसी भाषा को जानते थे, और वो काम किया जो कोई सरकार नहीं कर सकती थी, और केवल भारतीयों को बचाने का काम नहीं किया, एक पाकिस्तानी लड़की, 11-13 बांग्लादेशी लड़कियां, नेपाल, ट्यूनिशिया, अन्य देशों के बच्चों को भी बचाने का काम किया, 3 बार उन्होंने पुतिन से बात किया, 2 बार उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत किया, और 11 बार दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात किया कि हमारे बच्चों को निकलने का रास्ता दिया जाए। और मैं
प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका उन्हीं के प्रयास का परिणाम है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकाला जा सका है। और आज ये अंतिम जत्था जो सबसे कठिन था, ये बच्चे सूमे में फंसे हुए थे, जो बड़ी मुश्किल से अंत में निकल कर आए, यहाँ तक कि बस के ड्राइवर ने भी बस चलाने से इनकार कर दिया, तो बड़ी मुश्किल से ये बच्चे निकल कर आए हैं। तो मैं इनके सारे परिवार के लोगों को शुभकामना देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, और बिहार सरकार ने भी जो इंतजाम किया है इन बच्चों को दिल्ली में रिसीव करना, दिल्ली से हवाई टिकट कटा कर यहाँ लाना, अभी बच्चे यहाँ से किशनगंज जाएंगे, छपरा जाएंगे या जहाँ भी उनका घर है, ये सारा इंतजाम यहाँ बिहार सरकार ने किया है।